इतना बड़ा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो किसी भी देश का, तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी जो है हिफाजत के लिए भी जो है सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बनता ही है ना, सिक्योरिटी के ऊपर भी बड़ा खर्चा होता है। बिल्कुल। और इवन ये कि खानों के ऊपर भी बड़ा खर्चा होता है, अगर खाना पकड़ा है तो एक अकेला आदमी के लिए खाना जब पकता है तो जो इतना बड़ा अमला होता है तो उनके लिए भी साथ ही बनाया जाता है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं शादी खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मजे में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले के रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, और जब भी कभी आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। इसी तरह का आपका कमेंट्स आता रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो चले चलते हैं वीडियो की जाने। ये तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने, वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है। टाइटल हिंदी में है, जी हाँ, 1400 और आगे ऑफिस हिंदी में, जी हाँ बिल्कुल। मोदी जी, किसी भी देश के लिए वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री एक अहम नागरिक होता है, जिसके कारण उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि आतंकी संगठन की नजर हमेशा देश के अहम नागरिक पर ही होती है। इसीलिए उनकी रक्षा का इंतजाम करना दूसरे नागरिकों की तुलना में सबसे ज्यादा खास होती है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनके आसपास सैकड़ों की संख्या में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। उसके अलावा उनके आने जाने के लिए उन्हें SPG की तरह ऐसे एडवांस और प्रोटेक्ट कार्ड दिए जाते हैं, इसमें रहते हुए उनके आसपास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज के इस वीडियो में हम आपको देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए उन्हें दिए जाने वाले कार की फैसिलिटीज के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। नंबर एक पर है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन। दोस्तों, जो बाइडेन आज के समय के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडेन कोरोना जैसे महामारी के समय से ही सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। इतने बड़े पद में होने के कारण बाइडेन या किसी भी देश के प्रेसिडेंट को कड़ी सुरक्षा और निगरानी में रखा जाता है। जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए आसपास तो कई सिक्योरिटी गार्ड रहते ही हैं, लेकिन इनमें सबसे खास बात इनके कार की है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट की कार द बीस्ट सिर्फ एक मामूली कार ही नहीं, बल्कि चलता फिरता हथियार है। द बीस्ट का वजन 20,000 पाउंड है। साथ ही ये कार स्टील, टाइटेनियम, एल्युमिनियम और सिरेमिक आर्मर से बनी है। इस कार में मशीन गन, नाइट विजन कैमरा, पंप एक्शन, शॉर्ट गन, तोप, ब्लेड बैग और फायर ब्रिगेड जैसे उपकरण लगाए गए हैं। यही नहीं, अगर कोई इस कार का पीछा करता है तो धुएं के साथ साथ ये तेल का धार भी छोड़ने में सक्षम है। दोस्तों, इस कार में कैलेवरी स्टील रिम्स वाले टायर लगे हुए हैं, जो कभी भी पंचर नहीं होते, और अगर गलती से टायर फट भी गया तो कार की स्पीड और कैपेसिटी में कोई असर नहीं पड़ता। द बीस्ट एक ऐसा एडवांस कार है जिस पर ना ही गोलियों का असर होता है और ना ही किसी बम का। ये कार केमिकल और न्यूक्लियर हमले को भी झेल सकता है। दूसरे नंबर पर है नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट किम जोंग उन। दोस्तों, किम जोंग उन को पूरी दुनिया एक सनकी तानाशाह के नाम से जानती है। इसीलिए किम जोंग उन की सुरक्षा के लिए उन्हें बेहद कड़ी निगरानी में रखा जाता है। अगर उनके आने जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कार की बात करें तो किम जोंग उन मर्सिडीज बेंज की कार में घूमते हैं। कार के अंदर तो बेहद ही एडवांस फीचर लगाए गए हैं, जिससे आने वाले खतरे या किसी भी बम का दूर से ही पता लगाया जा सकता है। साथ ही इनकी सुरक्षा के लिए इनके बॉडीगार्ड गोल घेरा बनाकर ऐसे खड़े रहते हैं जैसे वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमारे देश में उपयोग किए जाने वाले सैन्य उपकरण, जिनका उपयोग देश की सुरक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन किम जोंग उन इस दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसका उपयोग अपनी पर्सनल सुरक्षा के लिए करते हैं। किम जोंग उन जब भी किसी विदेश यात्रा या रैली में जाते हैं तो ये आर्मी टैंक को अपने साथ लेकर जाते हैं। आर्मी टैंक को अपने काफिले में शामिल करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले नागरिक छोटे छोटे घरों में रहते हैं, लेकिन किम जोंग उन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अपना घर बदलते रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को निजी संपत्ति के रूप में संविधान द्वारा व्हाइट हाउस मिलता है। इसके अलावा वो किसी भी चीज पर अपना हक नहीं जता सकते। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किम जोंग उन के पास पर्सनल व्हीकल के रूप में एक लग्जरी एरोप्लेन है। इस प्लेन के इंटीरियर को बेहद ही एडवांस और मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें किम जोंग उन अपना पर्सनल काम कर सकते हैं। इसके इंटीरियर को डिजाइन करने के लिए उसने $1 मिलियन खर्च किए थे। इसके अलावा किम जोंग उन प्राइवेट जहाज का भी इस्तेमाल करते हैं। इस जहाज की लंबाई 95 फीट है और इसकी कुल कीमत लगभग $7 मिलियन है।
तीसरे नंबर पर है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री आज दुनिया के सबसे पावरफुल और लोकप्रिय मंत्री में से एक है। इसी कारण उन्हें दुनिया की कड़ी सुरक्षा और निगरानी में रहना पड़ता है। अब अगर इनके कार के फीचर्स की बात की जाए तो मोदी जी BMW की सवारी करते हैं। आपने पहले BMW कार के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन जो खासियत PM मोदी के कार में है उसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। ये एक ऐसी कार है जिसका टायर भी अगर पंचर हो जाए तो ये 90 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। इस कार में ग्रेनेड और मशीन गन का भी कोई असर नहीं होता। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में एक नई गाड़ी ने कदम रखा है। जी हाँ दोस्तों, अब पीएम मोदी BMW में नहीं बल्कि मर्सिडीज बेंज में घूमते दिखाई देंगे। ये कोई मामूली कार नहीं बल्कि हाहाकार है जो रेंज रोवर प्रो और टोयोटा जैसी कार से भी एडवांस है। पीएम मोदी को मर्सिडीज मायाबीच S650 में पहली बार हैदराबाद में देखा गया था। ये मर्सिडीज कार गार्ड VR 10 लेवल प्रोटेक्शन के साथ लेटेस्ट फेस लिफ्टेड मॉडल है जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षित कार बनाती है। इस कार की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। इस कार की खिड़कियां और ग्लास को इस तरह से बनाया गया है कि वो बुलेट का भी सामना कर सकती है। ये एक धमाका प्रूफ हाई टेक्नोलॉजी की कार है जिसे खास प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। चौथे नंबर पर है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को आज तक के सबसे कूलेस्ट प्रेसिडेंट में से एक माना जाता है। पुतिन ने अपनी कार को खुद ही डिजाइन करवाया था। उन्होंने देखा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास अपनी एक गाड़ी है, चाइना के प्रेसिडेंट के पास भी अपनी एक गाड़ी है, जिसके कारण उन्होंने अपने लिए एक कार को डिजाइन करवाया। कहते हैं कि इस गाड़ी को स्पेशली बनाने के लिए उन्हें 1400 करोड़ लगे थे, यानी इस कार की कीमत लगभग 1400 करोड़ रुपए है। इस कार में 500 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगा हुआ है जो इसे दूसरी गाड़ी से खास बनाता है। साथ ही ये गाड़ी एल्युमिनियम और स्टील से बनी है। इस गाड़ी में किसी भी तरह की न्यूक्लियर बम का कोई भी असर नहीं होता। प्रेसिडेंट के बैठने के लिए कार के अंदर अलग से कैबिन बना हुआ है जहां प्रेसिडेंट अकेले बैठ सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे दोस्तों भारत में आप अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहोगे, नरेंद्र मोदी को या फिर राहुल गांधी को, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई उस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जी दोस्तों, आपने देखा कि कितनी जबरदस्त गाड़ियाँ और इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ से भी। अभी आप ये देखो सिमल के, जब इतना बड़ा मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हो किसी देश का, तो उसकी जो है हिफाजत के लिए भी जो है सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बनता ही है ना। सिक्योरिटी के ऊपर भी बड़ा खर्चा होता है बिल्कुल, और इवन ये कि खानों के ऊपर भी बड़ा खर्चा होता है। अगर खाना पकड़ा है तो एक अकेला आदमी के लिए खाना जब पकता है तो जो इतना बड़ा हमला होता है तो उनके लिए भी साथ ही बनाया जाता है। आपने ब्यूटन की गाड़ी देखी, ब्यूटन की गाड़ी उन्होंने खुद डिजाइन की और रशिया के मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर रशिया के, और आपको पता ही कि वहाँ पर इतनी बड़ी कशीदगी भी चल रही है। बिल्कुल, तो उन्होंने जब जो बाइडेन की गाड़ी देखी अमेरिका के सदर की तो बड़े मुतासिर हुए कि उनकी गाड़ी में तमाम ऐसी ऐसी चीजें फिक्स हुई हैं कि धुआं भी छोड़ती है और तेल भी फेंक देती है और साथ में जना बम से जना सेफ है बिल्कुल। जितनी भी फायरिंग हो जाए, जितने भी कोई भी बड़े से बड़ा अटैक हो जाए तो उसकी गाड़ी के ऊपर कोई कुछ भी नहीं हो सकता बिल्कुल। तो इन्होंने भी अपनी एक डिजाइन करवाई, अपनी गाड़ी भी इन्होंने खुद डिजाइन करवाई, बड़ी अच्छी खूबसूरत डिजाइन करवाई और स्पेशली जो है ना उसको जो ऑर्डर किया और वो बनी कई 100 करोड़ की वो गाड़ी है। जी हाँ, और जितनी भी हमने चार गाड़ियाँ देखी हैं, चारों के अलग अलग लोगों की गाड़ियाँ, लेकिन चारों ब्लैक कलर में थी। हाँ, ब्लैक कलर ये देखिए, ये ब्लैक कलर कितना प्यारा होता है और हर चीज सिक्योरिटी की अलामत है। अच्छा, ब्लैक कलर आई थिंक मेरे ख्याल में। अच्छा, ज्यादातर गाड़ियाँ जो है अगर आप ये देखेंगे किसी भी कंट्री में सिक्योरिटी के हवाले से उनके पुलिस को जो गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाती है वो भी ब्लैक कलर की होती है तकरीबन। और बड़े बड़े जो वो अपना सिक्योरिटी गार्ड्स की जो गाड़ियाँ हैं वो ब्लैक कलर में होती हैं। अच्छा, आपने इस वीडियो में देखा कि सबसे ज़्यादा खर्चा किसने किया है? नहीं, मैं मोदी जी की वो गाड़ी की बात कर रही थी ना। हाँ, कि टायर अगर पंचर हो जाता है तो वो भी काफ़ी दूर तक जाता है क्योंकि वो अब फौरन ही नहीं बैंड हो जाता। हाँ, काफ़ी दूर तक चलते हैं। ये टायर भी इतने पायदार हैं उनके कि पंचर होने के बाद भी वो काफ़ी देर तक चल सकती है वो गाड़ी। अच्छा, सबसे ज़्यादा खर्चा किया है कोरिया के सदर ने, तो उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, क्या नाम है, अच्छा सा नाम है, चिंग चोंग ऐसे कोई नाम, इस तरीके से नाम हो गया। बहरहाल ये कि वो उनकी तो बड़ी सख्तियाँ हैं वहाँ पर, उनके जो ऑर्डर है उसको, उनके पास एरोप्लेन भी है, स्पेशली जिन्होंने ऑर्डर किया 95
फिट का एक एरोप्लेन है जो कि प्राइवेट है, और आप ये देखें कि उनकी उनकी गवर्नमेंट में परिंदा भी पर नहीं मार सकते, उनके अपने ऑर्डर हैं कि अगर आप हेयर स्टाइल बनाएंगे ना तो 4 या 5 हेयर स्टाइल हैं, उसके अलावा आप कोई हेयर स्टाइल नहीं बना सकते, इतनी पाबंदी है उनकी। और बड़ी उनके जो है, और वो घर भी चेंज करते रहते हैं, वैसे देखा जाए तो जैसे ये लोग घर नहीं चेंज करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे घर हैं और छोटे घर को यानी कि चेंज करते रहते हैं। हाँ। उसकी एक वजह ये कि लाजिम सिक्योरिटी सिक्योरिटी का वहाँ पे ज़्यादा खर्चा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, फिर उनके ये सख्ती सख्त किस्म के आर्डर बहुत है कि अगर आपने इस तरह किया तो इस तरह नहीं होगा, ऐसा किया तो ऐसे नहीं होगा, तो फिर पूरी दुनिया की नज़र जो उनके ऊपर है, तो नहीं पता होता कि कौन सा करीबी बंदा जो है ना कौन कौन नुकसान पहुँचा देते, अचानक से वो अपने घर भी चेंज करते रहते हैं। लेकिन इसमें ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा किया है वो कोरिया के सदर ने किया है, उनके पास गाड़ियां भी और फिर एरोप्लेन भी उन्होंने 3-4 जो प्राइवेट परचेज किए हुए हैं जिसमें वो सफर करते हैं, फिर घर भी तब्दील करते रहते हैं। तो ये सिक्योरिटी के बड़े खर्चात होते हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पर जाने के बाद जो है ना लाजिम बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो इतना अच्छा काम कर रहा हो, फिर उसको जो है जो उनके मदे मुकाबले होते हैं वो चाहते हैं कि भाई ये हटें तो हम आए, तो हर आदमी चाहता है कि कुर्सी की जंग है तो वो पूरी दुनिया में चल रही है, हम ये नहीं देख सकते कि सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में, पूरी दुनिया में ये जंग है कि भाई इन 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 इनको हटाएं तो हम आए ताकि हमारा नाम रोशन हो। और अभी जो वीडियो के लास्ट में एक वो था कि आप कमेंट में बताएं कि मोदी जी या वो दूसरे कौन थे, ये अपना राहुल गांधी, हाँ, किसको देखना चाहेंगे आप? असल में देखना क्या आवाम, पता है क्या आवाम नहीं चाहती है कि आवाम को ये नहीं चाहिए कि वो शक्लें नहीं चेंज करनी, वो कहते हैं काम हो, बिल्कुल। एक आदमी काम पहले से कर रहा है ऑलरेडी और लोग मुतमईन है तो लाजिम है उसी को ज्यादा जो है पजीराई दी जाएगी। नए आने वाले को चांस भी इसलिए नहीं दिया जाता कि पता नहीं वो डिलीवर कर सके या नहीं कर सके, फिर एक वो एक अलग से जो है ना वो हो जाता है कि तजर्बा कि यार चलो हम इसको बुला लेते हैं और ये कर खुश करें, पता लगा उसने कुछ किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया, बजाय इसके कि वो तरक्की की तरफ गामजन है और मजीद जो है वो नीचे बैठ जाएगा। तो हमें जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है जो मोदी जी के काम है, उनकी जो टीम है उस हवाले से जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है और वो काम कर रहे हैं। और देखें कि हर आदमी कोई भी हो, भले ही मैं ही क्यों नहीं हूँ, तो हर आदमी ये चाहता है कि मैं अपने मुल्क की जो है ना तरक्की देखना चाहता है, बिल्कुल, कि मेरे मुल्क में तरक्की हो, मेरे मुल्क में अमन अमान हो और आवाम को जो है ना वो तमाम सहूलियात मौजूद मिलती रहे जो कि हम आजकल फेस कर रहे हैं। कारोबारी प्रॉब्लम्स बहुत हैं और जो है ना एजुकेशन के जो मामला थे वो, क्योंकि आजकल बच्चों को पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है महंगी हो गई है, और मियारी ज़िंदगी जो है खाने पीने की जो अशियाँ हैं वो सस्ती होनी चाहिए, वो महंगी हो गई हैं। तो आदमी की सोर्स ऑफ इनकम आप देखो कि आज अगर वो 20,000 कमा रहा है तो खर्चे उसके 40,000 के, तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, मुश्किलों में जो है टाइम हो रहा है। तो मिनिस्टरों का काम, प्राइम मिनिस्टरों का काम ये होता है कि वो अपने मुल्क में ऐसी पॉलिसी अनाउंस करें कि जिससे कि आवाम जो है आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, सारी चीज़ें जो उनके खाने पीने के जो मामले थे वो भी हो जाएँ और एजुकेशन के मामले भी हो जाएँ और कारोबारी मामले भी उनके जो है बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। दोस्तों, इसी के साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।